हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आज बनाते हैं आलू परवर की सब्ज़ी। बेहद ही आसान, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो मैंने 250 ग्राम परवर लिया है, परवर को अच्छे से कट कर लिया है, बारीक बारीक स्लाइस कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ का आलू लिया है, उसे भी मैंने थोड़ा मोटा कट कर लिया है। 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 3 से 4 मैंने हरी मिर्ची ली है, उसे भी थोड़े मोटे कट कर लिया। आधा चम्मच जीरा लिया है, 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसे रफली कट कर लिया है। नमक स्वाद अनुसार ही डालें। तो गैस मैंने ऑन कर लिया है, एक पैन रखा है, उसमें मैंने 3 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरे को 1 से 2 मिनट हम इसे पकाएंगे, जब तक ज़ीरे का फ्लेवर ऑयल के अंदर ना आ जाए। ज़ीरा 2 मिनट मैंने इसे पका लिया था। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हमने 3 से 4 मिनट अच्छे से चलाते रहना है, इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इसके अंदर और सारे हम मसाले, मतलब मिर्ची और नमक ऐड करेंगे। प्याज को हमने 2 से 3 मिनट और फ्राई करना है, इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो हम इसके अंदर डालेंगे मिर्ची, नमक डाल देंगे। नमक इसलिए डाला है कि अगर नमक आप डाल देते हैं प्याज के अंदर तो ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है, मतलब गोल्डन फ्राई हो जाता है। तो हम इसका बस ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे, थोड़ा इसे और पकाएंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे परवल। सारे परवल को हमने डाल दिया है, अब 1 से 2 मिनट इसे अच्छे से चला लेंगे। चलाने के बाद हम इसे ढककर पकाएंगे 1 मिनट तक का। इसका थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाएगा। एक मिनट तक हमने चला लिया है, अब हम इसे ढक देंगे। 1 मिनट हो चुका है, हम इसे खोल के देख लेते हैं। ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर डालेंगे आलू। अब हम इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे। सारे हमने आलू को डाल दिया है, अब हम इसको चला लेंगे। अच्छे से हमने चला लेना है इसको। अब हम इसको ढक के पकाएंगे, 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। 2 मिनट हो गए, हम इसे चेक कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, सबको डाल के हमने अच्छे से चला लेना है। मसाले में हम इसके अंदर ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ मिर्ची और हल्दी पाउडर डालेंगे बस। सबको अच्छे से हमने चला लिया है भाजी को। अब हम इसे ढक के पकाएंगे, 4 से 5 मिनट इसे और बंद करके पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, हम इसे खोल के देख लेते हैं। बीच बीच में आप इसे खोल के देखते रहिएगा और चलाते रहिएगा। अच्छे से चला लेंगे कि मसाले जो भी हैं इसके आलू और परवल के अंदर लग जाए अच्छे से। अच्छे से मैंने चला लिया है, अब इसे हम ढक देंगे। 2 मिनट और पकाएंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं, हम खोल के देख लेते हैं। अच्छे से हमें फिर से इसे चला लेना है। इसे बनाना बेहद ही आसान है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो प्लीज़ आप भी इसे बनाएं, ट्राई करें। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, इसमें मैंने कोई स्पाइसेस मसाले ज़्यादा नहीं ऐड किया है, सिर्फ मिर्ची और रेड चिली पाउडर ऐड किया है। तो मैंने इसे ढक के पका लेंगे 2 मिनट तक का और। 2 मिनट हो चुका है, अब हम फिर से हम इसे चला लेंगे। बीच बीच में ऐसे चलाते ही रहना है, नहीं चलाएंगे तो ये जल सकता है। तो प्लीज़ आप बीच बीच में चलाते रहें इसे। अच्छे से हमने चला लिया है, अब हम इसे ढक के रख देंगे 2 मिनट और। 2 मिनट हो चुका है, हम खोल के देख लेते हैं। अच्छे से ये बन के रेडी हो गया है और बहुत ही अच्छा बन के रेडी हुआ है और बहुत ही क्रिस्पी भी है। तो प्लीज़ आप भी बनाएं, ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको भाजी की रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली में, रिलेटिव में मेरी वीडियो को शेयर करें। तो कैसा लगा आपको आलू परवर की भाजी? नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।